उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में बढ़ रही लूट की चोरी और घटनाओं का विरोध करते हुए व्यापारी संघ ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन पत्र सौंप कर अज्ञात तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस उन मामलों का खुलासा नहीं कर पा रही है। वहीं इस मामले में पीड़ित राकेश वसरानी का कहना है कि उनकी दुकान में बीते दिनों लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। विगत दिनों नगर में काफी चोरियां हो रही हैं, दुकानों के ताले टूट रहे हैं, आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटना चोरी के अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर आज हम व्यापारी संघ सामूहिक रूप से माननीय TI साहब को ज्ञापन दिए। उसमें हमने मांग की कि नगर में जो ये चोरी हो रही है इसको रोक लगाई जाए। चोरी होती है और चोरी होने के बाद कोई आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई चोरी पकड़ी गई हो। इस पर हम व्यापारी संघ ने निवेदन किया है, मांग किया है ज्ञापन के माध्यम से कि चोरों को पकड़ा जाए और तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। ये हम व्यापारियों की सुरक्षा का मामला है। कितने चोरियां हुई अब तक? लगभग अभी हमारे जो संज्ञान में है 20-25 चोरियां ऐसी हो गई, दुकानों में ताले टूट गए, जिनका कोई खुलासा नहीं हुआ, जिनका कोई पता नहीं चला किसने चोरी की है। अगला क्या कदम रहेगा आपका? आज तो हमको थाने से आश्वासन मिला है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करके चोरों को पकड़ेंगे। अगर चोर नहीं पकड़े जाते हैं तो हम ऊपर जाएंगे, इनके उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। आपका ये रमेश बसरानी, कहाँ रहते हैं आप? ब्लॉक ऑफिस के आगे। क्या कुछ घटना हुई थी आपकी दुकान में? हमारी दुकान में चोरी हुई थी। कितने की? करीब 1,25,000 के आसपास। जी, तो आपने रिपोर्ट किया था? हाँ जी, लिखित में आवेदन दे दिया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई? उन्होंने कुछ संदिग्धों को अपने पास बुलाया है, उनसे पूछताछ की है और आज व्यापारी संघ के आवेदन के साथ मैं भी था वहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ करके आपकी चोरी का पर्दाफाश किया जाए।